ओके एवरीवन, हम बात कर रहे थे सब मेट्रिसेस के बारे में जिससे हम रैंक के बारे में डिडक्शन करने वाले थे. तो आई होप सबको क्लियर हो चुका है सब मेट्रिक्स का मतलब. एक मेट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो उसकी सब मेट्रिसेस ज़रूरी नहीं सारी की सारी स्क्वायर हों. अ मेट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कैन हैव सब मेट्रिसेस विच आर स्क्वायर एंड विच आर नॉन स्क्वायर एज वेल. ओके, लेकिन अगर मैं सिर्फ स्क्वायर सब मेट्रिसेस पे अपना अटेंशन फोकस करूं, तो मैंने क्या डिड्यूस किया था कि अगर a एक m क्रॉस n ऑर्डर की मेट्रिक्स है, देन द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर सब मेट्रिक्स, द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर सब मेट्रिक्स ऑफ ए इज मिनिमम ऑफ एम एंड एन. एम और एन में से जो भी मिनिमम होगा, एम और एन में से जो भी मिनिमम होगा, वो हाईएस्ट ऑर्डर होगा किसी भी स्क्वायर सब मेट्रिक्स ऑफ ए का. उससे बड़े ऑर्डर की स्क्वायर सब मेट्रिक्स ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्लियर? देयरफॉर ए हैज स्क्वायर सब मेट्रिसेस, ए हैज स्क्वायर सब मेट्रिसेस. अभी मैं सिर्फ स्क्वायर सब मेट्रिसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि किसी मेट्रिक्स की होती ही सिर्फ स्क्वायर सब मेट्रिसेस हैं. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी मेट्रिक्स की नॉन स्क्वायर एज वेल एज स्क्वायर सब मेट्रिसेस हो सकती हैं. मैं फिलहाल सिर्फ स्क्वायर सब मेट्रिसेस पे बात कर रही हूँ. तो ए हैज स्क्वायर सब मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, उसके पास वन ऑर्डर की स्क्वायर सब मेट्रिक्स होगी, टू ऑर्डर की होगी, थ्री ऑर्डर की होगी, एंड एट द मैक्स किस ऑर्डर की होगी? इस ऑर्डर की. तो 1, 2, 3 से मिनिमम ऑफ एम एन एन जो भी नंबर आया, या एम आएगा या एन आएगा, 1 से लेके एम तक या 1 से लेके एन तक, डिपेंडिंग अपॉन एम मिनिमम है या एन मिनिमम है, इस ऑर्डर की स्क्वायर सब मेट्रिसेस होंगी एक के पास. लेट्स जस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट बिफोर वी मूव ऑन टू रैंक. अगर मैंने ए को लिया ये 2-1, 3, 0, 4, 8 -2, 5, 1. आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए के पास होंगी 1 क्रॉस 1 की सब मेट्रिसेस, 2 क्रॉस 2 की सब मेट्रिसेस और 3 क्रॉस 3 की. क्या 4 क्रॉस 4 की होंगी? नहीं. तो मुझे ये पता चल गया ए हैज स्क्वायर सब मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, 2 and 3, जहां पर 3 इज द मैक्सिमम ऑर्डर, द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ एनी स्क्वायर सब मेट्रिक्स ऑफ दिस ए. क्यों? क्योंकि ये 3 है एक्चुअली मिनिमम ऑफ m एंड n. ठीक है, 3 है मिनिमम ऑफ m एंड n. कूल इनफ? और यहां पे काफी अच्छा लॉजिक है. आपको एट द मैक्स 3 रोज और 3 कॉलम्स मिल सकते हैं, तो वहां से आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ सकती है. 2 रोज 2 कॉलम्स मिल सकते हैं, तो 2 क्रॉस 2 आ जाएगी. 1 रो 1 कॉलम मिल सकता है, तो 1 क्रॉस 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स आ जाएगी. पर 4 रोज 4 कॉलम मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. तो आपके पास 1 ऑर्डर की सब मैट्रिसेस होंगी, 2 ऑर्डर की होंगी और एट द मैक्स 3 ऑर्डर की होगी, जो खुद ए होगी. 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स ऑफ ए एक ही होगी, विच इज ए इटसेल्फ. कूल इनफ? 2 ऑर्डर की काफ़ी सारी सब मेट्रिसेस मिल जाएंगी. 1 ऑर्डर की तो मेरे पास 9 सब मेट्रिसेस हैं. 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 2 है, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ -1 है, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 3 है, इस तरीके से मेरे पास 9 1 क्रॉस 1 सब मेट्रिसेस आएंगी. 2 ऑर्डर की भी काफ़ी सारी सब मेट्रिसेस हैं, 3 ऑर्डर की सिर्फ एक ही है जो कि ए खुद है. तो यहाँ पर ये आर्टिकल वेरीफाई हो गया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मैं लेती हूँ बी को 2-1, -2, 3, 4, 6, 8, -9, 5, -7, 3, 0. देन यू हैव 0, -1, 2, 1, अगेन 0, 0, 3, -2.
कितनी रोज है? 5. कितनी कॉलम्स है? 4. 5 × 4. किस किस ऑर्डर की स्क्वायर सब मेट्रिसेस मिलेंगी? बी हैज स्क्वायर सब मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, भाई 1 ऑर्डर की मिलेगी, बहुत सारी हैं, 2 ऑर्डर की भी मिलेगी, 3 की भी मिल जाएगी, 4 की भी मिल जाएगी, क्या 5 ऑर्डर की मिलेगी? नहीं, क्योंकि 5 रोज तो हैं पर 5 कॉलम्स बिल्कुल भी नहीं है, तो कैसे 5 × 5 की मिलेगी? 4 इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ बी, और ये वेरीफाई करता है हमारा फैक्ट कि 4 इज मिनिमम ऑफ 4 एंड 5. ठीक है, तो मैंने यही लिखा है ना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A has square submatrices of order 1, 2, 3 up till the minimum of M and N. यहाँ पर minimum of M and N था 4, minimum of 5 and 4 था 4, and therefore A has square submatrices of order 1, 2, 3 up till 4. इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ, suppose I take this, I am taking 2, or let me take minus 4, minus 1, 0, 2, 3, 8, माइनस 7, 0, दिस इज 4 × 2. यहां मैं क्या कह सकती हूं कि सी हैज स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, 1 ऑर्डर की सब मैट्रिसेस होंगी स्क्वायर, 2 ऑर्डर की होंगी डेफिनेटली, दैट इज इट. 3 ऑर्डर की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं. 3 रोज तो मिल सकती है पर 3 कॉलम है ही नहीं. 4 ऑर्डर की हो सकती है कोई भी सब मैट्रिक्स? बिल्कुल भी नहीं. 4 रोज तो है पर 4 कॉलम ही नहीं. तो कुल मिला के 1 से लेके वहां तक जाना है जो है मिनिमम ऑफ एम एंड एन, और मिनिमम ऑफ 2 एंड 4 है 2. तो 1 एंड 2 ऑर्डर की ही स्क्वायर सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगी. इसके अलावा जो सब मैट्रिसेस होंगी वो नॉन स्क्वायर होंगी. इस तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑर्डर की ही, इन 4 ऑर्डर की ही स्क्वायर सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, इसके अलावा जो सब मैट्रिसेस होंगी वो नॉन स्क्वायर होंगी. सिमिलरली यहाँ पर 1, 2 और 3 ऑर्डर की ही स्क्वायर सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगी. इसके अलावा कोई और ऑर्डर होगा तो वो नॉन स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर एक लास्ट एग्जांपल देखें, −1, 0, 2, 5. ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर इज 1 × 4. इसके पास D has square submatrices of which order? सिर्फ और सिर्फ 1 order की submatrices होंगी इसके पास जो square होंगी. इसके अलावा 1 × 2 order की submatrix, suppose 1, 0 इतना ले लूँ, third column, fourth column हटा दूँ तो वो non-square है. या इन 3 एंट्रीज को ले लूं, जब फोर्थ कॉलम हटा दूं तब ये नॉन स्क्वायर है. स्क्वायर सब मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर की एग्जिस्ट करेगी, वो है 1. 2 ऑर्डर की कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि 2 रोज ही नहीं है, 2 कॉलम तो है, 2 रोज ही नहीं है. सिमिलरली 3 ऑर्डर की एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि 3 कॉलम तो है पर 3 रोज नहीं है. 4 ऑर्डर की एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि 4 कॉलम है पर 4 रोज नहीं है. तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्डर की ही स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी. एक होगी इस एलिमेंट के साथ, एक इस एलिमेंट के साथ, एक इस एलिमेंट के साथ, एक के साथ. तो हमें यहां पे दिख भी रहा है कि 4 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस होंगी D की. 1 इज एक्चुअली द मिनिमम ऑफ M एंड N, 1 एंड 4. 1 एंड 4 का मिनिमम इज 1, तो बस 1 तक ही. कूल इनफ. इसका मतलब है सब मैट्रिसेस से, हमने सब मैट्रिसेस का मतलब लास्ट लेक्चर में समझा. यहां पर हमने स्पेसिफिकली हमारा अटेंशन फोकस किया है स्क्वायर सब मैट्रिसेस पे. क्यों किया है? अब बारी आती है उसे समझने की. तो अब हम सीखेंगे रैंक का मतलब. रैंक का मतलब पूरा का पूरा रिलेटेड है स्क्वायर सब मैट्रिसेस के ऑर्डर से. ठीक है, इसीलिए पहले यह समझना बहुत जरूरी था कि किसी भी मैट्रिक्स की किस किस ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस हो सकती हैं. हाईएस्ट कौन सा ऑर्डर है जिसकी स्क्वायर सब मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स की हो सकती हैं. ये समझने के बाद अब हम बात करते हैं रैंक के बारे में.
रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखनी है डेफिनेशन. अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज सेट टू हैव रैंक आर. मैं कहती हूँ एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन उसकी रैंक आर है इफ एंड ओनली इफ दो चीजें होनी चाहिए. इफ एंड ओनली इफ सबसे पहली चीज क्या हो, एवरी स्क्वेयर सब मैट्रिक्स, एवरी स्क्वेयर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज सिंगुलर. इसलिए हमने स्क्वायर सब मैट्रिसेस पे हमारा अटेंशन फोकस किया था क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे बात करनी थी डिटर्मिनेंट की, जो हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए बात कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं कह रही हूं अगर आर रैंक है ए की, दैट मींस ए के पास जितनी भी आर प्लस वन, लेट मी राइट वन मोर वर्ड, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और मोर इज सिंगुलर. अगर मैंने कहा है कि ए का रैंक आर है, दैट मीन्स आर प्लस वन या फिर आर प्लस वन से कोई भी बड़े ऑर्डर की जो भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी ए के पास, वो सारे के सारों का डिटर्मिनेंट जीरो होगा. अगर रैंक आर है तो आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री एंड सो ऑन, जो भी मैक्सिमम ऑर्डर है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, वहाँ उन सब का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए. अगर मैंने रैंक को कहा है आर, इफ रैंक इज आर, तो आर से बड़ा कोई भी ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होनी चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए. एंड दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. ठीक है, वन होनी चाहिए एंड सेकंड इज देयर शुड एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्क्वेयर सब मैट्रिक्स, वन स्क्वेयर सब मैट्रिक्स of order R which is non-singular. इसको ध्यान से पढ़ो. अगर मैंने कहा A matrix की rank है R, इसका मतलब R से बड़े order की सारी sub matrices जो square हैं वो singular हैं, और R ऑर्डर की एटलीस्ट एक सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जो नॉन सिंगुलर है. दैट मीन्स R इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इससे बड़ा किसी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर है तो वो सिंगुलर आ रही है. सबसे बड़ी ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर आ रही है वो R है. R से बड़े आप किसी भी ऑर्डर पे जाओ, आर से बड़े किसी भी ऑर्डर पे जाओ तो वो नॉन सिंगुलर आ रही है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक मैं किसे कह रही हूं, देयरफॉर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वेयर सब मैट्रिक्स. मतलब भाई स्क्वेयर सब मैट्रिसेस बहुत सारे ऑर्डर की आएंगी किसी मैट्रिक्स की, मुझे वो ऑर्डर चाहिए उन सारे ऑर्डर्स में से जिस ऑर्डर की स्क्वेयर सब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. अब सपोज इसकी बात कर लें बी मैट्रिक्स की. बी मैट्रिक्स के पास स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं इन चार ऑर्डर की. अभी मैं एक्चुअली इस पे बात नहीं करूंगी इस एग्जांपल पे, लेट मी जस्ट टेल यू द कॉन्सेप्ट. अगर मैं कह रही हूं इस बी मैट्रिक्स की रैंक है टू, तो ये मैं कब कह सकती हूं,
रैंक अगर मैंने कहा इस मैट्रिक्स की है 2, दैट मीन्स 2 इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स. सबसे बड़े ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है वो 2 है, क्योंकि अगर 2 से बड़े ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स पे जाओगे तो वो सिंगुलर है, और किसी भी 2 से बड़े ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स पे जाओगे तो वो सिंगुलर है. अगर मैं कह रही हूँ रैंक इस मैट्रिक्स का 2 है, मतलब 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर की सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स सिंगुलर हैं, और 2 ऑर्डर की एटलीस्ट एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो नॉन सिंगुलर है. मतलब सबसे बड़े ऑर्डर की नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स 2, सो 2 इज द रैंक. तो हमें कुछ नहीं करना, 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखो. अब 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखोगे तो भाई एक भी अगर नॉन जीरो एंट्री है मैट्रिक्स के अंदर, तो वही एंट्री उस 1x1 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट हो जाती है विच इज नॉन जीरो. ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स खुद नॉन नल है, मतलब सारी की सारी एंट्री जीरो नहीं है, एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो है, तो दैट मींस 1 ऑर्डर की एटलीस्ट एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है विच इज नॉन सिंगुलर. अब जाओ 2 पे. ठीक है, अगर 2 ऑर्डर की सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स आ जाती हैं सिंगुलर, तो क्या मिल गया? उसके बाद जाओ 3 पे, 3 ऑर्डर की भी सपोज सारी की सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाती हैं सिंगुलर. फिर जाओ 4 पे, 4 ऑर्डर की सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाती हैं सिंगुलर. तो क्या मिला मुझे कि सबसे बड़ा ऑर्डर जिस ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है वो है 1. पहला सवाल हमें कह रहा है कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. इस बात से ही सारे फीचर्स रिलेटेड टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिमाग में आ जाने चाहिए. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0, राइट? इसके बाद वो पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है इस डिटर्मिनेंट की. इस डिटर्मिनेंट में आप हर रो में देख सकते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बैठा है. अगर मैं इन तीनों एंट्रीज को ऐड कर दूं तो मेरे पास सीधे के सीधे 0 आ जाएगा. एंड देयरफॉर इन दिस डेल मैं परफॉर्म करती हूँ कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. उससे डेल क्या बन जाता है? फर्स्ट कॉलम बन जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ अगेन 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा विच इज़ अगेन 0 बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा बीइंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. बाकी कॉलम्स एज इट इज, दिस इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा. अगर एक डिटर्मिनेंट में एक पूरा कॉलम जीरोस का है, मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0, एंड हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इजी क्वेश्चन. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. अब मेरे पास जो सिस्टम है वो है 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स एक्स एंड वाई. अगर मैं क्रैमर्स रूल लगाऊं, क्रैमर्स रूल ने क्या कहा था कि दिस सिस्टम विच इज नॉन होमोजीनियस, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब डी, डी वन और डी टू तीनों जीरो हो जाते हैं, राइट? डी मतलब मुझे पता है डी इज जीरो, मुझे पता है डी वन भी जीरो होगा, और मुझे पता है डी टू भी जीरो होगा, अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं बाय क्रैमर्स रूल. D मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स K प्लस 1, 8, K एंड K प्लस 3. दिस डिटर्मिनेंट इज 0 अलोंग विथ इट D1, मतलब जब आप D के फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड वाली एंट्रीज वाले कॉलम से रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स 4K, 3K माइनस 1, नेक्स्ट कॉलम एज इट इज ये 0 है, एंड D2 इज 0, मतलब D के सेकेंड कॉलम को यहाँ की राइट हैंड साइड वाली एंट्रीज के कॉलम से रिप्लेस करना है, तो क्या आएगा? K प्लस 1, K फर्स्ट कॉलम रिमेन्स एज इट इज, सेकेंड कॉलम बिकम्स 4K एंड 3K माइनस 1. इट्स वेरी इजी टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट. ये बन जाएगा K प्लस 1 इंटू K प्लस 3 माइनस 8K इज 0 एंड 4K इंटू K प्लस 3 माइनस 8 इंटू 3K माइनस 1 इज 0 एंड 4K, और आई शुड से K प्लस 1 इंटू 3K माइनस 1 माइनस 4K स्क्वायर इज 0. अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो किस वैल्यू ऑफ K के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं? उसी वैल्यू ऑफ K के लिए इस सिस्टम के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे जिस K के लिए D भी 0 होगा, D1 भी 0 होगा और D2 भी 0 होगा. मतलब ऐसा K जो इस
इक्वेशन का भी सोल्यूशन हो, इसका भी हो और इसका भी हो, कॉमन सोल्यूशन. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा k बराबर 1 और 3. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा k बराबर 1 और 2. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा k बराबर 1. तो मुझे ऐसा k चाहिए जो तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन हो और वो सिर्फ एक k है, विच इज़ k इक्वल टू 1, राइट. k इक्वल टू 1 ही सिर्फ एक ऐसा k है जो तीनों का सोल्यूशन है, जो d को भी जीरो कर रहा है, d1 को भी जीरो, d2 को भी जीरो, एंड हेंस k इक्वल टू 1 के लिए ही इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे. सो योर आंसर इज दैट k शुड बी इक्वल टू 1. ओके, fx दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. मुझे पूछा गया है f ऑफ 3x माइनस f ऑफ x क्या होगा. उसको निकालने के लिए ऑब्वियसली मेरे को पहले fx को एक्सपैंड करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि जब मैं x को 3x से रिप्लेस करूं तो मेरे पास f ऑफ 3x का एक्सप्रेशन आ जाए. सो व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं परफॉर्म करूं कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो मेरा डिटर्मिनेंट हो जाता है x प्लस लैम्डा प्लस x प्लस x, मतलब 3x प्लस लैम्डा. x प्लस लैम्डा प्लस x फिर से 3x प्लस लैम्डा. x प्लस x प्लस लैम्डा मतलब फिर से 3x प्लस लैम्डा. बाकी दो कॉलम्स एज इट इज x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा. ऑब्वियसली मैं फर्स्ट कॉलम से 3x प्लस लैम्डा कॉमन निकाल सकती हूँ. अंदर बच जाएगा 1 1 1, x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा. अब 1 माइनस 1 करके यहाँ 0 क्रिएट हो सकता है, 1 माइनस 1 करके यहाँ 0 क्रिएट हो सकता है. तो मैं परफॉर्म करूँगी रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1. क्या आ जाएगा f ऑफ x यहाँ से? 1 माइनस 1 गिव्स यू 0, x प्लस लैम्डा माइनस x देता है लैम्डा, x माइनस x देता है 0. 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, x प्लस लैम्डा माइनस x देता है लैम्डा. और ऊपर वही है 1x x प्लस लैम्डा. अब आप अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर. और इस डिटर्मिनेंट के बाहर बैठा था 3x प्लस लैम्डा विच इज ऑलरेडी सिटिंग. तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लैम्डा आ जाता है आपका f ऑफ x. अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ 3x क्या होगा? x की जगह 3x, मतलब x की जगह 3x रखोगे क्या आएगा? 9x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर. दिस इज f ऑफ 3x. मुझे परफॉर्म करना है f ऑफ 3x माइनस f ऑफ x. दोनों में लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर आ गया कॉमन, आया 9x प्लस लैम्डा माइनस 3x माइनस लैम्डा. लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसल्स आउट. 9x माइनस 3x आता है 6x. 6x टाइम्स लैम्डा स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3x माइनस f ऑफ x. 6x इंटू लैम्डा स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट वेयर a b एंड c आर द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अब याद करो कॉन्सेप्ट hp का. अगर a b c pth qth और rth टर्म्स हैं hp के, तो 1/a 1/b 1/c pth qth और rth टर्म्स होंगे इस hp की कॉरेस्पॉन्डिंग ap के. अब अगर मैं बोल रही हूँ 1/a 1/b 1/c आर द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ द ap, देन सपोज a इज द फर्स्ट टर्म and d is the common difference of the corresponding ap of the given hp. तो 1/a हो गया pth term of the ap, जिसका first term a है, common difference d है, तो क्या हो जाएगा 1/a? first term plus p minus 1 into common difference. 1/b हो जाएगा first term plus q minus 1 into common difference. और 1/c हो जाएगा first term plus r minus 1 into common difference. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है. इसको डेल ले लेते हैं फिलहाल. मेरे पास है बी सी सी ए बी. ओके, यहां पर है पी क्यू आर एंड 1 1 1. अब मैं क्या कर सकती हूँ ऑल्टरनेटिवली? मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करके ए बी सी से डिवाइड कर सकती हूँ.
इसको भी ए बी सी से डिवाइड कर सकती हूँ और ए बी सी से मल्टीप्लाई, तब भी ये वही रहेगा. इसको भी ए बी सी से डिवाइड करा, ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, तब भी ये वही रहा. एक और ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया मैंने इसके अलावा, इसके अलावा मैंने कहा रो टू गोज टू रो टू माइनस रो थ्री. क्यों? उससे पी माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन क्रिएट हो जाएगा जो मुझे चाहिए टू यूज दिस फैक्ट. तो अब डेल क्या बन गया फाइनली, आप देख सकते हैं पहली रो से ए बी सी कॉमन निकल आएगा पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर, और बी सी अपॉन ए बी सी बन जाएगा वन अपॉन ए, सी ए अपॉन ए बी सी बन जाएगा वन अपॉन बी, और ए बी अपॉन ए बी सी बन जाएगा वन अपॉन सी. यहाँ आ जाएगा p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन 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 वन. अब आप परफॉर्म करेंगे रो वन गोज टू रो वन माइनस डी टाइम्स रो टू. उससे क्या होगा ना, ए बी सी तो बाहर है ही, यहाँ आ जाएगा वन बाय ए माइनस डी टाइम्स p माइनस वन, फिर यहाँ आ जाएगा वन बाय बी माइनस डी टाइम्स क्यू माइनस वन, और इसकी थर्ड एंट्री होगी वन बाय सी माइनस डी टाइम्स आर माइनस वन. राइट, दिस इज योर वेरी फर्स्ट रो. यहाँ पर आपके पास बैठा होगा पी माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन 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 वन. अब देखो वन बाय ए माइनस डी टाइम्स पी माइनस वन है कैपिटल ए, वन बाय बी माइनस डी टाइम्स क्यू माइनस वन है कैपिटल ए, वन बाय सी माइनस डी टाइम्स आर माइनस वन है कैपिटल ए. तो ये एंट्री कैपिटल ए है, ये एंट्री कैपिटल है, ये एंट्री कैपिटल है, तो मेरा ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है, लेट मी राइट हियर, ए बी सी बाहर है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए वन 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 पी माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन. इस पूरी जगह से मैं कैपिटल ए को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा वन वन वन. मेरी दो रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम हो चुकी हैं, द डिटर्मिनेंट will have value equal to zero. So, इसकी value हो जाती है zero. And that's how you tackle this question. अगला सवाल कहता है, x, y, z है positive numbers such that y and z have 1 and 0 at their units place and del is this determinant. अब units place किसके respect में given है, वो आपको अगली statement से समझ आएगा कि del plus 1 is divisible by 10, then x has at its units place what? बेसिकली x, y और z नंबर्स हैं जिनको 10 से डिवाइड किया जा रहा है. जब x को 10 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्वेश्चन आ रहा है x रिमाइंडर मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है, सपोज लैम्डा है. लेकिन जब y को मैंने 10 से डिवाइड किया तो y आ रहा है क्वेश्चन स्मॉल y और रिमाइंडर क्या आ रहा है 1. ये देखो, व्हेन y इज डिवाइडेड बाय 10 यू रिमाइंडर यू गेट द रिमाइंडर 1, और जब z को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है 0. क्वेश्चन सपोज स्मॉल z है, रिमाइंडर है 0, तो z की शक्ल ऐसी होगी. अब इस डिटर्मिनेंट का नाम डेल है. कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z की जगह मैं ये लिख दूंगी तो मेरे पास आएगा 10x plus lambda 10y plus 1 and 10z plus 0. This is 401 and this is 110. जब भी आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई कॉलम या कोई रो सम ऑफ टू टर्म से एक्सप्रेस हुआ होता है तो पूरे डिटर्मिनेंट को मैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर लिख सकती हूँ. यहाँ आ जाएगा 10x 10y 10z 401 110 plus lambda 10 401 110. इस पूरे कॉलम से 10 निकल जाएगा कॉमन, आ जाएगा बाहर. ठीक है, ये पूरी चीज को सपोज मैं k मान लेती हूँ, वॉट एवर इट इज, सपोज ये स्मॉल k के बराबर है. कोई फिक्स्ड कोशेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ x y z वेरिएबल्स नहीं है, कॉन्स्टेंट्स ही हैं. कोई एक कोशेंट होगा यहाँ जो स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ का कोशेंट स्मॉल y से, यहाँ का कोशेंट स्मॉल z से, तो ये फिक्स नंबर्स हैं, दे आर नॉट वेरिएबल्स. इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में ही आएगी, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं आएगी. डोंट कन्फ्यूज x y z विथ वेरिएबल. हर जगह x y z जहाँ लिखा होता है वो वेरिएबल नहीं होता है. अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें x y z लिखा हुआ है. यहाँ पर वो कॉन्स्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बस उस कॉन्स्टेंट की असल वैल्यू नहीं पता तो हमने x y z लिख दी. एंड हेंस दिस इज अ कॉन्स्टेंट k, सम कॉन्स्टेंट k. इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करोगे आएगा 1 माइनस लैम्डा. तो मेरे पास डेल किसके बराबर आ गया, 10 के प्लस 1 माइनस लैम्डा.
अब मुझे पता है लैम्डा प्लस वन इज डिविजिबल बाय 10, क्वेश्चन ने कहा. इसके हिसाब से लैम्डा प्लस वन क्या हो जाएगा, 10k प्लस वन माइनस लैम्डा प्लस वन, मतलब 10k प्लस टू माइनस लैम्डा. अगर लैम्डा प्लस वन डिविजिबल है 10 से, मतलब 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर जीरो आएगा, तो लैम्डा प्लस वन लिखा जाएगा 10 इंटू समथिंग प्लस जीरो. पर फिलहाल लैम्डा प्लस वन लिखा जा रहा है 10 इंटू के प्लस टू माइनस लैम्डा. दैट मीन्स